प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ 10वां अध्याय। शीर्षक 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे जो जो बातें पूछी हैं, उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार से उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्र को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु में झरोखों से जिससे वे उत्पन्न हुए थे तथा जिस पर वे बैठे हुए थे वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ रहा है। तब उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर वह बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्यों में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया। उस एक से ही भू, भुव और स्वः इन तीन भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उससे 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाजित किया जा सकता था। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीन लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हें मह, तप और जनह तथा सत्य लोक रूप ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा कि ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विषयों का रूपांतरण ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को इस सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की ही माया से लीन होकर ब्रह्मा रूप में स्थित था। उसी को अपव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृति, वैकृति भेद से एक ही 10वीं की सृष्टि और भी है, और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले से मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहले सृष्टि की महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी और पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां उत्पन्न होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें महापंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तंत्र मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति में संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियां अधिष्ठाता देवताओं की है, मन में इसी के सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्री, अंधता मिश्र, तम मोह और महामोह, यह 5 गांठे हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। यह 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब वैकृतिक सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वें प्रधान वैकृति सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तक्त, सार, विरुद्ध और दूर्म, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर में होता है। इनका प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, क्या भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का ही अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में से कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है, वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता,
तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन त्रिकों में से गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊंट दो खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरव और चमरी ये एक खुर वाले कहलाते हैं। अब पांच नखों वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बकुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भांस और भुल्लुकू, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि है मनुष्यों की, यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह के नीचे की ओर में होता है। मनुष्य रजोगुण का प्रधान कर्म परायण और दुख रूप के विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाले देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्व आदि रूप से वैकारिक देवसर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में कही जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का कौशल सर्ग है। जो कौमार सर्ग है वह प्राकृतिक विकृति दोनों प्रकार की है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि आठ प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब मैं आगे वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प में आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत रूप में अपनी ही रचना करते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।